राजस्थान में चुनाव का मीटिंग बच चुका है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे कर रहे हैं, वहीं भाजपा परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर है। वहीं जहां दावेदार अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं, वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्यों वो पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, किस लिए आप पूजा अर्चना कर रहे हैं? हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, 2023 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव है और हम चाहते हैं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में राजस्थान में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। क्यों चाहते हैं आप कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बने? पूर्व में वसुंधरा राजे सिंधिया जी के दो कार्यकाल जनता ने देखे और समूचे राजस्थान प्रदेश की जनता भी चाहती है। इस जनता की भावनाओं को लेकर हम लोग आज सोचते हुए गणेश मंदिर से पाल बालाजी मंदिर तक पद यात्रा कर 251 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे और बालाजी महाराज से प्रार्थना करेंगे 2023 में श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बने। भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाल ली, 4 परिवर्तन यात्रा राजस्थान में निकाली थी, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जी से दूरी बनाए हुए रखी, आप उसके ऊपर क्या सोचते हैं? उनकी पारिवारिक भी समस्या है, वो आम जन को और आपको भी मालूम है, पत्रकार मीडिया बंधुओं को भी स्थिति की मालूम है। उनके घर की कुछ भोगराने की कोई शारीरिक परेशानी होने की वजह से वैसे चारों यात्राओं की शुरुआत में वसुंधरा राजे जी हर यात्रा में साथ रही है। आला कमान अगर किसी और नए चेहरे को लेके आते हैं तो ऐसे में आप क्या करते हैं? हम पार्टी के साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं बालाजी महाराज से कि चुनाव वसुंधरा राजे सिंधिया जी के नेतृत्व में हो। आज गांव गांव ढाणी ढाणी दो बार उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर राजस्थान प्रदेश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। अंतरकलह तो देखने को मिलता ही है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं यही तो परिवर्तन यात्रा से दूरी बनाने का कारण नहीं रहा? जिनके स्वयं के घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। इशारा किसकी तरफ है आपका? हमारी सरकार बनाएंगे हम कहते हैं और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपको क्यों लगता है कि वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री बननी चाहिए? मेरे तो इसलिए लगता है कि 2003 से हम वसुंधरा राजे जी को देख रहे हैं और जो दो बार उन्होंने लीडरशिप की है राजस्थान प्रदेश को मरे हुए प्रदेश की श्रेणी में से निकाल के और बहुत ही सुदृढ़ और सुचारू राजस्थान बनाया, उसके लिए मेरी नहीं जन जन की यही आस्था है कि वसुंधरा राजे के अंदर नेतृत्व करने की असीम क्षमता है और ये नेतृत्व करके भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त बहुमत से सरकार बना सकती है। और वसुंधरा राजे जी जैसा आज की तारीख में भाजपा में और ना कांग्रेस में कोई भी नेता नहीं है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर के नाम है, अगर ऐसे कोई चेहरा सामने लाती है आला कमान तो हमारी नजरों में ये चेहरे मुख्यमंत्री के लेवल के नहीं है, ताकि पार्टी अगर इनको भी लाती है, पार्टी अगर आपको भी लाती है तो हम तो पार्टी के साथ है, लेकिन हमें नहीं लगता कि गजेंद्र सिंह जी है वो मुख्यमंत्री के काबिल है। आप क्या सोचते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो वसुंधरा राजे ने जो मैडम जी ने जो काम किया है वो भली भांति सबको जानते हैं, सब जानते हैं, और जो डूबते को तिनके का जो सहारा है बीजेपी को, डूबते को तिनके का सहारा जो वसुंधरा राजे जी ने दिया है, तो हम तो ये चाहते हैं कि मैडम ही आए और मैडम ने जो विकास वगैरह किया है वो सब लोग जानते हैं, जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मैडम ही आए। आप क्यों सोचते हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बननी चाहिए? क्योंकि कांग्रेस सरकार में इतने बेहतर आउट हुए हैं, अब आपको पता है बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, पिछले पेपर आउट हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि लड़ाई तो भाजपा में मुख्यमंत्री की है, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया है, पिछले चुनाव में हर बार मुख्यमंत्री का चेहरा सामने भाजपा लाती है, इस बार नहीं लेके आई है, तो आप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बने इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बननी चाहिए भाजपा में? दो बार हमने देखा है कार्यकाल, उसके हिसाब से सब यही चाहती है, सब जनता यही चाहती है वसुंधरा जी बने, और पार्टी अगर जिसको कहेगी हम उसके साथ हैं, नया चेहरा लेके आते हैं तो हम पार्टी जो कहेगी हम उसके साथ हैं। पार्टी अगर अलग बात होगी बाकी कैंडिडेट से जो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री बनने के उनसे कुछ तो अलग बात होगी, इसलिए आप वसुंधरा जी राजे जी ने हर व्यक्ति का सोचा है, गरीब का, बेरोजगारी का, किसान का, सबका सोचा है वसुंधरा जी ने। और कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से आते हैं, वो क्यों नहीं? अगर पार्टी उनको कहेगी तो हम उनके साथ भी हैं, संगठन के साथ हैं, हम संगठन पार्टी के साथ हैं। आप क्यों सोचते हैं कि
आप क्यों सोचते हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होंगे? भारतीय जनता पार्टी में जो अभी चेहरा चल रहे हैं उसमें सर्वोच्च जो उम्मीदवार है हम वसुंधरा राजे को ही चाहते हैं और जनता भी इसके प्रति जागरूक है क्योंकि वसुंधरा जी का जो 2 साल का कार्यकाल जनता ने देखा है और जनता के प्रति उनका जो अनुभव और जो रुचि रही है उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया राजस्थान के लिए विशेष तौर से। इसीलिए हम तो यही चाहते हैं बालाजी महाराज से और उनसे यही आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारी सरकार में वसुंधरा राजे का पूर्ण बहुमत रूप से मुख्यमंत्री बने। जय श्री राम, राधे राधे। कोई और कैंडिडेट अगर लेके आती है भाजपा तो आप मुकाबला मानते हैं? गजेंद्र शेखावत, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, कई चेहरे हैं, ओम बिरला। भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान से वसुंधरा राजे जी सर्वप्रथम चेहरा तो यही है, उसके बाद जो पार्टी का निर्णय सर्वोपरि निर्णय रहेगा और पार्टी जो राजस्थान और भारतीय जनता पार्टी के हित में रहेगी हम उसी के साथ रहेंगे, लेकिन हमारी नजर में वसुंधरा राजे ही सर्वप्रथम सर्वप्रिय लोकतंत्र के लिए राजस्थान के सर्वप्रिय नेता है। परिवर्तन यात्रा से थोड़ी दूरी बनाए रखी है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? इसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं है, मीडिया जिस तरह से उनके बारे में बातें कर रही है तो ये उनका पारिवारिक कोई समस्या रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने दूरी बनाई और चारों यात्राओं में सर्वप्रथम वसुंधरा राजे साथ में थी, उसके बाद किसी कारणवश वो थोड़ी दूरी रख ली होगी उन्होंने। और अभी जो रामदेव का मेला राजस्थान का लोक देवता का मेला चल रहा है तो वसुंधरा राजे जी ने वहाँ खुद आके रामदेवरा में बाबा से अरदास भी की है और लोगों के लिए अच्छी मनोकामना की प्रार्थना भी की है। पूजा अर्चना की क्यों आवश्यकता है जब आप इतने कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेगी? क्योंकि राजस्थान और संपूर्ण भारतवर्ष में हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम यही मनोकामना करते हैं। सनातन धर्म से तो जुड़े हुए हैं पर इतने श्योर है हर बात पूजा अर्चना नहीं करते मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो इस बार पूजा अर्चना ही क्योंकि भाजपा जीते तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बने? क्योंकि भाजपा में कोई शंका तो नहीं है कि कोई और कैंडिडेट आ जाएगा? हमें भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी है तो उनकी क्या राजनीति चल रही है, तो इसीलिए हम ये मनोकामना करते हैं कि वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री बने। इसीलिए आपको क्या लगता है क्या अंदर चल रहा होगा, क्या अंदर क्रिया चल रही होगी इस कारण ऐसा? अंदर एक नाम और चल रहा है उसके लिए मैं घबराऊंगा नहीं, अजमेर के हमारे विधायक जो बालकनाथ जी है उनका एक नाम पैनल में और चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि चाहे वसुंधरा राजे के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का बहुमत बनता है तो अभी हम वसुंधरा जी के साथ में, और बालकनाथ जी का बनता है तो उनके साथ में, गजेंद्र सिंह शेखावत का बनता है तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत इस रेस में कहीं पे भी इधर उधर नहीं है ना, जनता के सर्वप्रिय नेता है। आपको लगता है कि वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बननी चाहिए? मैडम का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, मैडम की योजनाओं से पिछली बार भी अनेक युवा गरीबों को लाभ पहुंचा है, इसलिए हम चाहते हैं मैडम पुनः वापस मुख्यमंत्री बने और जो योजना बाकी रह गई है जो योजनाएं पूरी करें। और गहलोत सरकार ने तो पूरा भ्रष्टाचार ही किया है, मैडम की योजनाओं के नाम चेंज कर के वो योजना लाए, अन्नपूर्णा योजना का नाम चेंज कर दिया, बहुत सी योजनाओं का नाम चेंज किया। भाजपा की सरकार बनती है कोई भी मुख्यमंत्री आएगा, योजना तो लागू हो गई तो इसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री बनते तो उसमें क्या अलग होगा? मैडम का कार्य स्वर्णिम काल रहा है, मैडम का पिछला कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा था, इसलिए हम चाहते हैं मैडम भी मुख्यमंत्री बने। और मैडम जितनी कैपेसिटी शायद राजस्थान बीजेपी में किसी और नेता की नहीं होगी और मैडम का चेहरा आगे आएगा तो श्योर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी तो कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे सर्वमान्य नेता है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सर्वमान्य है, लेकिन हमारी कामना पाल बालाजी से है मैडम मुख्यमंत्री बने और अनुभव के मामले में मैडम बहुत बड़ी है। आपको क्यों लगता है कि पूजा अर्चना की आवश्यकता पड़ी क्योंकि हर बार 2 बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे जी, इस बार आपको पूजा अर्चना की आवश्यकता? आपको कहीं ना कहीं संशय है कि बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री को यह बनेगा? हम हमेशा पूजा अर्चना के साथ ही अपना कार्य शुरू करते हैं और हमेशा पूजा अर्चना से शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है, अब वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनाने हमको और वसुंधरा जी एक ऐसा चेहरा है जिनके नाम से राजस्थान में बीजेपी की 2 वर्ष की सरकार बन सकती है। अन्य चेहरे जो है उनमें
एक्सपीरियंस की कमी है और वो वसुंधरा जी के मुकाबले में भी बहुत पीछे है। इसलिए हम चाहते हैं वसुंधरा जी की सरकार बने और राजस्थान का विकास हो। पिछली बार दो यात्राएं मुख्यमंत्री जी ने निकाली थी वसुंधरा राजे जी ने, और इसमें परिवर्तन यात्रा निकली, राजस्थान में चार परिवर्तन यात्रा निकली। कभी कभी आपको रुझान कम देखने को मिला है इसमें? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कार्यकर्ताओं में पूर्ण विश्वास है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और रही बात उनका थोड़ा इस बार क्या, उनके परिवार में उनकी पुत्र वधु की थोड़ी क्या शारीरिक स्थिति थोड़ी खराब है, इसलिए वो थोड़ा समय नहीं दे पा रही है। पर हम जनता उनके लिए काम कर रही है, अगर वो कम भी आती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो यात्रा में वसुंधरा राजे जी होती है सभी जगह पे, तो आपको लगता है कि और भीड़ उमड़ती? परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा जी होते तो थोड़ा हमारा जो मनोबल है और ऊंचा होता है। पर अभी वसुंधरा जी अगर कम आती है तो भी इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। वसुंधरा जी के नेतृत्व तो में ही राजस्थान की सरकार बनेगी और राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। आपको क्या लगता है भाई साहब, अगर वसुंधरा जी राजे मुख्यमंत्री ही क्यों बने? दो बार मुख्यमंत्री है, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, कई काम किए। अशोक जी ने तो सिर्फ नाम चेंज किए, मगर काम तो सब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के किए हुए। फिलहाल लड़ाई तो भाजपा में है मुख्यमंत्री बनने की, कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा है। तो अगर भाजपा सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिस तरह कांग्रेस में एक चेहरा है, उस तरह भाजपा में क्यों नहीं इस बार आ पा रहा है? भाजपा में चेहरा ना 2023 में वसुंधरा राजे जी का, प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का 2024 में तो विजय हासिल करेंगे। और अभी वर्तमान के जो 2 दिन पहले आपको पता है महिलाओं का कितना हुजूम उमड़ा वसुंधरा जी को रक्षा सूत्र बांध, ये तो महिलाओं का एक छोटा सा टेलर था मान लो, उसके अंदर एक आह्वान कर दी थी मैडम कि मेरा एक प्रोग्राम है निजी आप पहुंच जाए, तो वहाँ बैठने की भी कुर्सियां भी कम पड़ती मुझे लगता है। परिवर्तन यात्रा में ये कमी खली गई आपको लगता है कि कहीं कोई कुर्सियां खाली रह गई थी कई जगह पे? अगर वसुंधरा राजे जी होती तो ये कुर्सियां खाली नहीं रहती? बिल्कुल, मैडम का तो क्रेज आज भी किसी को भी पूछ लो, आम युवाओं को पूछ लो, बच्चों को पूछ लो, जहाँ तक दे ही नाम आते या मोदी या वसुंधरा। और कुर्सियों की रही बात, कार्यकर्ता भी नहीं कहीं ना कहीं अंदर की गई होगी, हर अपने आप को गुट बना के लोग कहते हैं गुट का ये, कार्यकर्ता किसी गुट का नहीं होता है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता होता है। माननीय आज वसुंधरा राजे जी आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और सर्वश्रेष्ठ आज जहाँ पे भी देखा जाए उनकी उपलब्धियां देखो सबसे पहले तो मैडम की। आज मैडम के जो आज जो 8 रुपए में जो खाना मिल रहा है, 5 रुपए में मैडम ने शुरुआत की थी अन्नपूर्णा के नाम से, तो आज अशोक जी ने दोस्तों इंदिरा गांधी के नाम से शुरुआत की। आप कब से भाजपा से जुड़े हुए? मुझे कम से कम 20 साल हो गए होंगे जी। तो पिछले जो वसुंधरा राजे जी ने 2008 में जो यात्रा शुरू की थी, 2013 में जो यात्रा की, 2018 में जो यात्रा की, उससे परिवर्तन यात्रा को किस तरह देखते हैं? ये सूर्य संकल्प यात्रा के अंदर आप पुराना आप मीडिया बंदी आप खुद को ही बताए, आप पता कर लीजिए कितना क्रेज था 2008 के अंदर सूर्य संकल्प यात्रा निकाली गई। अब देखिए मुझे और आज भी ये सब मैडम के प्रसिद्ध हो गए और अपने दिल में इच्छा जरूर आ रहा है। परिवर्तन यात्रा में वो कमी दिखी है, अगर मैडम एक यात्रा निकालते पूरे राजस्थान में तो इस परिवर्तन यात्रा से ज्यादा असर होता है उसका? मैडम जहाँ जहाँ पे भी परिवर्तन यात्रा में थी आप भी देख लीजिए, वहाँ का हुजूम और वहाँ का वीडियो हम आपको हम तैयार के दे देते आप देख लीजिए। और यहाँ पे मैडम को छोटा सा भी निमंत्रण दिया जाता कि आपको हमारे खास करके मुख्यमंत्री का गृह जिला और आपको यहाँ पे आना है, तो फिर देखते हुए मुझे लगता है हमेशा सबूत लेना पड़ता है लोगों को। परिवर्तन यात्रा से भले ही दूरी रही हो वसुंधरा राजे की, पर वसुंधरा राजे के समर्थक अभी भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।